कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को शायद ही कोई इतने करीब से जानता है जितने कि नटवर सिंह। एक वक्त पर सोनिया गांधी के सबसे खास सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। नटवर सिंह ने हाल ही में अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ लिखी है, जिसमें उन्होंने कई सनसनीखेज बातें की हैं, जिन पर चर्चा करने के लिए इस वक्त सीधी बात कार्यक्रम में नटवर सिंह खुद मौजूद हैं। स्वागत है आपका। आपने गांधी परिवार को जितने करीब से देखा है, उतने करीब से शायद ही किसी और ने देखा होगा। आपकी किताब की सबसे धमाकेदार, सबसे सनसनीखेज बात अगर कोई है तो वो ये कि आप कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली और सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच रही थी, और उस वक्त राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, अगर मेरी मम्मी पीएम बनती हैं तो मैं आत्मदाह में सुसाइड कर लूँगा, मैं अपने आप को गोली से मार दूंगा। आप बताइए कि असल में हुआ क्या, क्योंकि इसके बारे में कोई जानता नहीं, सब सोचते हैं कि वो त्याग की देवी हैं। आप कहते हैं कि हो सकता है कि वो पीएम बनना चाहती थी। नहीं, ये नहीं कहा, ये मैंने कहीं ना किताब में नहीं कहा कि राहुल ने कहा कि मैं गोली मार लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, कहीं जिक्र नहीं है इस बात का, कोई नहीं है। और ना ये सबूत है कि सोनिया गांधी बनना चाहती थी, मगर जब चुनाव जीते 2004 का, तो वो उन्हीं की वजह से जीते थे, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। और जब ये चर्चा शुरू हुई कि यूपीए के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये बने, तब मेरे ख्याल में राहुल ने कहा कि आपको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी, जैसे मेरे पिता और मेरी दादी हत्या की गई, आपकी भी हो जाएगी। तो इसलिए एक बतौर एक प्यारे बेटे ने अपनी प्यारी माँ को बचाने के लिए ये सलाह दी थी। अब लोग कहते हैं कि साहब ये बन जाती, तो अगर बन जाती तो वही हालत वही होती, फिर भी राहुल बना करते इनको, तो मैं तो इनको राहुल को दाद देता हूँ। तो ये बात आपको प्रियंका गांधी ने बताई कि एक बंदूक भी है कबर्ड के अंदर जिसका इस्तेमाल हो सकता है, आपने उनसे पूछा? लिखा हमें पता चला है कि इसी तरह से रहा, आपको पता चला है? देखिए, जब ये चर्चा चल रही थी मैं वहाँ था जी, तो बताइए क्या हुआ फिर। तो सोनिया जी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सुमन दुबे भी थे, प्रियंका भी थी और मैं भी था, यही वहाँ ये चर्चा हो रही थी। तो राहुल का इतना वायलेंट रिएक्शन क्यों था आपके हिसाब से? राहुल क्यों नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी पीएम बने? इसलिए उनकी हत्या हो जाएगी, और मैं मानता हूँ हो जाती। क्या आपको ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा ग्रुप जो इस खन्ना से बहुत नाराज है, और वो कहीं रुकते नहीं। आप सोनिया गांधी को बहुत करीब से जानते हैं, आप उनके बारे में लिखते हैं कि वो प्रिमा डोना थी, मतलब उनके बहुत घमंड था, बहुत ज़्यादा उनको एम्बिशन था, बहुत कड़ी थी, और वो इनसिक्योर थी, कि उनको अपने पे भरोसा नहीं था, वो इनसिक्योर थी, बड़ी ही साधारण किस्म की औरत हैं वो। आप कहते हैं कि एकदम जवाहरलाल नेहरू से अलग, क्यों आपको लगता है कि सोनिया गांधी इनसिक्योर थी, बेहद ऑर्डिनरी थी? आप उन्हें अथॉरिटेरियन कहते हैं, आप कहते हैं कि लोग उनसे डरते थे, ऐसा नहीं कि उनको पसंद करते थे, उनको डरते थे। ठीक है, 2005 से तो मैं कोई मुलाकात नहीं हुई, जब अभी हुई थी, जब आई थी मई में, तो जब तक मैं था, ठीक है, जब ये पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी, हम लोगों ने कहा 1997 कि देखिए अगर आप नहीं आएंगी तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा असर होगा, तो बहुत रिलक्टेंटली आई। और जब शुरू में आई तो नेचुरली कोई अनुभव नहीं था, नहीं थी, सरकार कैसे चलती है, पार्टी कैसे चलती है, तो थोड़ा टाइम लगा सीखने में। अब मेरे ख्याल में काफ़ी, पहले तो देखिए अपनी स्पीच एक्सटेम्पोर नहीं कर सकते, अब तो करने लग गए। आप कहते हैं कि 6-6 घंटे आप बैठ के उनको सिखाया करते थे कैसे बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, और भी थे, इंदिरा गांधी भी क्या करती थी, 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। शारदा प्रसाद जी 6-6, 7-7, 8-8 घंटे रहते थे। नहीं, लोगों के जहन में सवाल है, चूंकि एक इटालियन लेडी हिंदुस्तान आई है, इतनी बड़ी पार्टी संभाल रही हैं, हिंदुस्तान में जन्मी नहीं है, यहाँ का इतिहास और कल्चर देखा नहीं है, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं जो कि भारत के इतिहास में या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में आते रहते हैं, सोनिया गांधी उनको कितनी बारीकी से समझती हैं, आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, ज़्यादा बारीकी से नहीं समझती, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, मगर भारतवर्ष की संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारे जो उपनिषद हैं, वेदांत क्या है, गीता है, वो उनका उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि नटवर सिंह ने ये किताब रंजिश में लिखी है, गुस्से में लिखी है, कि क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी ने मंत्री पद छोड़ने पर मजबूर किया, आपको सोनिया गांधी ने किनारे कर दिया, इस वजह से अब आप आग उगल रहे हैं उनके खिलाफ, बदला लेना चाहते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं तो कोई नहीं मानेगा, और मैं ये
अरे भाई कौन कहेंगे, मैं कहूँगा सोनिया गांधी क्यों आई थी मेरे पास, जवाब दो, मैंने तो नहीं बुलाया था। उस सवाल पे मैं आ रहा हूँ। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं लेकिन क्योंकि ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी आप पे लगा रही है, कुछ नेताओं से मेरी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि नहीं 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 वो तो अब फ्रस्ट्रेशन में लिख रहे हैं। नहीं हम कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में लिख रहे हैं तो अब क्यों लिखिए, पहले लिख देते, पहले नहीं लिखी थी किताब, छपती नहीं, 2011 से शुरू की है। और उनसे कहिए कि आप सोनिया गांधी को कितना जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एक भी नहीं है उनमें से, ये कौन है जो शोर करेंगे, मुझे मालूम है कौन करेंगे, मैं तो जवाब दूंगा नहीं शोर करने के लिए, खड़ा करें आप, मुझे जवाब देना है अपने आप को। आपने कहा कि 2014 में सोनिया गांधी और प्रियंका एकाएक आपके घर पर आ गए, कितने सालों से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे? मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए थे। 5-6 साल से मुलाकात नहीं, जब से आप मंत्री, नेहरू फंड की जो मीटिंग है उसको मैं भी ट्रस्टी हूँ, हम मुलाकात हो जाती थी पर कोई बातचीत नहीं, वन ऑन वन कभी आपकी बातचीत नहीं। एक दफ़ा गया तो मैं कोई वो 25 मिनट लिए कुछ बुलाया था किसी काम के लिए, किताब विताब का, तो वो कोई राजनीतिक बात नहीं, क्योंकि इस बात की चर्चा बड़े जोरों पर है कि सोनिया गांधी और प्रियंका आपके पास घर आई और उन्होंने आप पर दबाव डाला कि आपने जो किताब लिखी है इसमें सोनिया गांधी प्रियंका और राहुल के बारे में जो लिखा है उसको आप ना लिखें, क्योंकि उनको लगा कि एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, शर्म। नहीं दवा तो कोई नहीं डाला, दवा तो मैं दवा पे तो आया नहीं, क्योंकि 2005 में जब जो वॉल की बात आई तो मुझे उम्मीद थी वो कहेंगे कि ऐसा कभी नटवर सिंह कर ही नहीं सकते। नहीं तो क्यों आए आपको सोनिया और प्रियंका मिलने के लिए? इसलिए आए, देखिए 28 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में मेरी एक इंटरव्यू निकली, उस इंटरव्यू वाले मिस्टर मनोज हैं, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपकी ऑटोबायोग्राफी में इन बातों का जिक्र करेंगे, मैं कहा करूँगा। तो उसी दिन सुबह जैसे अखबार में आया तो मुझे सुमन दुबे साहब ने फ़ोन किया, वो बहुत ही आला दर्जे के इंसान है, कि भाई आज शाम को मिल लीजिए सोनिया जी से। मैंने मुझे कोई ज़रूरत नहीं मिलने की। फिर टेलीफोन आया प्रियंका का, मैं आपसे मिल सकती हूँ? भाई मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं मिल सकती आप। क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिलना चाहते थे प्रियंका से? क्यों नहीं मिलना चाहते थे आप प्रियंका से? नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं दिल्ली में नहीं था। क्यों मिलना चाहते थे आपसे? ये इसी के लिए तो जो अखबार में आया था उसमें इकोनॉमिक टाइम्स में इसी के बारे में। तो फिर वो एक हफ्ते के बाद 6 तारीख को टेलीफोन किया, मई के मैं से मैंने की ज़रूर आइए, तो 7 तारीख को वो आ गई और मैंने कहा कि मैं माता जी ने कहा है आपसे मिलने, आपकी ऑटोबायोग्राफी की बात कर लें। तो मैंने कहा मेरे ऑटोबायोग्राफी को तो कोई एडिट तो करेगा नहीं, पर मैं आप ये कहना हूँ कि आपकी माता जी ने मेरा ये किया है पिछले 8 साल में। क्या किया? 1, 2, 3, 4 कर दी, सब कुछ किया जो कुछ नहीं किया, हमको निकाल दिया, हमको इस्तीफा दिलवा दिया, हमारे पीछे CBI लगवा दी, IB लगवा दी। तो क्या प्रियंका चाहती थी कि आप किताब में कुछ फेरबदल करें? क्या क्यों मिलना चाह रही थी? इसीलिए कि आप ये बात लिखेंगे कि नहीं, तो मैंने कहा मैं कि सोनिया गांधी PM बनना चाहती थी, नहीं कि राहुल ने प्रेशर डाला, नहीं नहीं कि राहुल ने कहा, नहीं नहीं सुन तो लीजिए जरा, सुन लीजिए पहले। तो फिर देखिए हमारे बैंक अकाउंट देखे गए, हमारे टेलीफोन बक किए गए, हमारे वो लोगों को भेज दिया मिलने के लिए, कोई वकील भेज दिया, कोई भेज दिया कि साहब मैं आपका केस मुफ्त में करूँगा, कोई साधु भेज दिया, कोई कह दिया पामेश के साहब आपकी कुंडली दे दीजिए। तो मुझे बता दें अपने आप थोड़ी आए, इन लोगों को भेजा गया है कि भाई कुछ ऐसा कहते हैं। तो किस चीज़ की चिंता थी प्रियंका को कि आप क्या लिख देंगे राहुल या सोनिया या राजीव के बारे में? नहीं वो कभी जो कुछ वाक्य हुआ, नहीं क्या वाक्य हुआ ना, किसी एक वाक्य की चिंता थी। 18 मई को जो हुआ, जो बातचीत आपने अभी की है ना कि राहुल ने कहा कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप देखेंगे कि नहीं। मैंने भाई पर ये बात अब तक निकली कैसे, क्योंकि पूरे पब्लिक परसेप्शन में तो जनता ये मानती है कि सोनिया गांधी कभी PM बनना ही नहीं चाहती थी, सोनिया गांधी ने त्याग दिया क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें बता रही थी कि सत्ता से दूर रहो, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद वो मान जाती और राहुल का दबाव था, अब तक ये बात निकली कैसे? नहीं बात निकली नहीं, किसी को पता नहीं, 3-4 लोग थे वहाँ, सोनिया गांधी जी थी, प्रियंका थी, मनमोहन सिंह थे, मैं था और सुमन दुबे थे। तो वो चाहते थे कि ये चीज़ आप किताब में ना लिखें, उम्मीद जाहिर की। तो पहले प्रियंका ही मिलने के लिए, फिर सोनिया आई आपसे मिलने के लिए? सोनिया ने बताया कि वो आ रही है आपसे मिलने के लिए, ऐसी आ गई? बिल्कुल, मैं तो अचानक मिलने को आ गई और मैंने कहा बड़े सरप्राइज, तो उन्होंने मुझे एम्ब्रेस मी एंड देन जी बैठ गई। तो मैंने रिंकू को बता दिया जो कुछ हुआ है पिछले 8 सालों के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं, मुझे पता नहीं था ये हो रहा है,
मैंने ये तो कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि आपके बगैर तो एक पत्ती नहीं हिलती कांग्रेस पार्टी में, सरकार के अंदर कोई नहीं मारेगा। उन्होंने कहा कि उनको मालूम ही नहीं आपके साथ क्या तो ये हो रहा था आपके साथ, तो मैंने कहा ये तो कोई मारेगा नहीं, तो फिर मैं कहा आई एम सॉरी। ठीक है, हम मेरे आप सबसे नज़दीक दोस्त थे, रहे अभी भी हैं, और मैं आप जानते हैं कि मैं जो आपसे बात करती थी मैं प्रियंका और राहुल से भी नहीं करती थी, मैंने कहा इसलिए तो, बल्कि उसके बावजूद ये किया गया, बावजूद तुम्हारे को तकलीफ तो हुई मुझे, मुझे कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं बिटरनेस हो या रंजिश हो या मैं बदला लूँ, तो मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ज़िंदगी बहुत कम है, इसी लिखा है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, इसी में लगे रहें बिटरनेस के अंदर और वेंजेंस के अंदर, ये छोटी बात। तो आखिरकार क्या वजह रही कि नटवर सिंह के रिश्ते सोनिया गांधी से इस कदर बिगड़ गए? मनमोहन सिंह की एक घंटे न्यूयॉर्क में पॉल वॉल्कर से हुई मुलाकात में आखिरकार निकला क्या? उस वक्त के प्रधानमंत्री ने वॉल्कर को क्या ऐसा बताया कि उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि नटवर सिंह ने तेल का पैसा इराक से चोरी कर। पॉल वॉल्कर की रिपोर्ट में ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में आप पर आरोप लगा कि आपने पैसे चोरी किए। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी के नाम का बेजा इस्तेमाल किया अपने पर्सनल फायदे के लिए, इस वजह से आपको विदेश मंत्रालय छोड़ना पड़ा और कांग्रेस से आपको किनारे कर दिया गया। इस पूरे मसले की आपकी नज़र में हकीकत क्या है? देखिए, पाठक इंक्वायरी अथॉरिटी ने ये फैसला किया कि नटवर सिंह ने कोई पैसे नहीं कमाए, लिखा था कि देर इज नो मटेरियल। तो आपका नाम कैसे आ गया फिर वॉल्कर रिपोर्ट में? ये वॉल्कर रिपोर्ट में मेरा नाम पहले तो नहीं था, सिर्फ नाम था कांग्रेस पार्टी का 1997 से लेके भीम सिंह और कांग्रेस पार्टी के नाम, मेरा नाम जोड़ा गया 9 फरवरी 2005। आपने एक और वाक्य में लिखा है कि एक मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पॉल वॉल्कर से, जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी जिसमें आपका नाम डाला गया कि आपने पैसा चोरी किया ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम का। आपके हिसाब से मनमोहन सिंह ने ये मुलाकात, वन ऑन वन मुलाकात अमूमन इस तरीके से पॉल वॉल्कर सरीके इंसान से नहीं होती, आपके हिसाब ये मुलाकात क्यों हुई? देखिए, मुझे मालूम नहीं, दो दफ़े हुई, 2004 में 2005 में, किसी को नहीं पता क्या बात हुई, पर ये मैं जानता हूँ कि ये पुराने दोस्त थे बोलकर के। नहीं तो क्या, क्या आप कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने किसी के दबाव में आकर, क्योंकि आप एंटी अमेरिका रहे हैं, बहुत सालों से एंटी अमेरिका रहे हैं, आपकी पहचान में रहा है, आपकी पॉलिटिक्स में रहा है, आपकी आइडियोलॉजी में रहा है, तो क्या आप ये इशारों में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर उस वक्त दबाव था कि नटवर सिंह देश के विदेश मंत्री नहीं होने चाहिए? तो किसका दबाव था मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्या मालूम? मुझे नहीं मालूम किसका दबाव था, क्योंकि किताब पढ़ के मुझे लगा कि आपको लगता है कि अमेरिका का दबाव था कि नटवर सिंह को हटाया जाए। देखिए नहीं, अमेरिका तो, वो तो आप किताब पढ़िए, सोनिया ने मुझसे कहा, मनमोहन सिंह ने भी कहा। क्या कहा? ये आपसे कहा कि ये मुझे मुश्किल हो रही है आपको फॉरन में से बनाने की। क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि हमारा दबाव है। किसका दबाव है? अमेरिकन का दबाव है। मनमोहन ने यह कहा कि हमारी मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, हमारी लीडरशिप को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये किताब में लिखा हुआ है। सोनिया जी ने भी कहा भाई अमेरिका, मुझे परेशानी हो रही है। तो अमेरिका में किसका? अमेरिकी सरकार का, अमेरिका में और किसका होगा? कोई अखबार का थोड़ी होगा, किसी एजेंट का, अमेरिका के लॉबी सरकार का। हाँ, वो मुझे बहुत दिन से जानते थे, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, मैं एंटी अमेरिकन स्टुपिडिटी हूँ। क्या कर रहे थे वियतनाम के अंदर, क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में, क्या किया इराक के अंदर, किसने किसने? तो क्या आपको लगता है कि आपको फिक्स किया गया? और इसमें बड़ा हिस्सा था उनका, भारत सरकार का भी, मनमोहन सिंह का भी। नहीं, जब पूरा जो वाक़ा आया तो मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा कि नहीं नटवर सिंह नहीं करेंगे, मेरे कॉलीग हैं ये। नहीं नहीं, मैं वो सवाल नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आपको फंसाने में, आपका मानना है कि आप फंसाए गए, क्या आपको फंसाने में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हाथ था? देखिए, मैं मैंने कहा सोनिया जी जब आई, मैंने कहा देखिए, न मनमोहन सिंह जी की न श्री चिदम्बरम की हिम्मत होती कि मेरे पे हाथ भी लगाए अगर आप की मंजूरी नहीं होती, और ये मैंने कहा असलियत है। तो आप कह रहे हैं सोनिया गांधी ने आपको फिक्स किया? मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये नहीं करती तो ये हो सकता ही नहीं था, जब ये मई में मुलाकात हुई आप। आपने मुझे बुलाया भी नहीं। तो सोनिया गांधी जो आपकी इतनी खास दोस्त थी, उन्होंने आपको इस तरीके से किनारे क्यों किया? क्योंकि देखिए, जब ये आया तो मैं तो हिंदुस्तान में था नहीं, मैं रूस में था। जब मैं पहुंचा फ्रैंकफर्ट रात को आने के लिए, तो सुबह टेलीफोन आया हमारे राजदूत का, न्यूयॉर्क से, साहब ये रिपोर्ट आई है, इसमें कांग्रेस का नाम है, आपका नाम है, और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस का नाम है कि आप नॉन कैंडिडेट बेनिफिशियरी है। फिर मैंने कहा चलो न्यूयॉर्क बात करेंगे,
वर्कर साहब से मैंने काहे को दिल्ली चलते हैं बता देंगे, इतने में वो आ गया एक वहाँ से वो ईमेल अंबिका सोनी का, उसका आया कि साहब वो कांग्रेस तो साफ है, नटवर सिंह अपनी देखभाल कर ले। तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं तो सोनिया गांधी ने आपको फिक्स क्यों किया, अमेरिका के दबाव में? नहीं नहीं, ये आपका रिश्ता उससे पहले बिगड़ गया? नहीं नहीं, देखिए लोगों ने ये कह दिया कि साहब वो आप कितने नज़दीक हैं, सब कहेंगे आपने पैसा ले लिया। तो सोनिया गांधी ने आपको किनारे इसलिए किया कि कहीं उन पर छीट ना पड़ जाए नटवर सिंह के आरोप? जो आप सलाहकार तो उन्होंने यही उनसे कहा। नहीं तो आपका नाम आया कैसे फिर वोल्कर रिपोर्ट में, क्योंकि आपने दो दफा लिखा है कि पीएम की मुलाकात हुई वोल्कर से? उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं क्योंकि आपने लिखा तो है किताब में, छोड़ दी वो बात अनकही कि कहीं ना कहीं क्या पता हिंदुस्तान में ही कुछ तत्वों का दबाव था वोल्कर पर आपका नाम जोड़ने का। नहीं भाई, उस रिपोर्ट के अंदर था नाम, पर किसी ने ये चेक नहीं किया क्यों नाम है, और पाटिल साहब ने खुद कह दिया कि इन्होंने कुछ रकम नहीं कमाई। क्योंकि उस वक्त के तो राजदूत जो हुआ करते थे उन्होंने भी कहा कि उनके हिसाब से आपने वाकई में आपके आपके बेटे ने, आपके बेटे के बिजनेस एसोसिएट्स ने ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम का बेजा इस्तेमाल किया। निकाह किया, क्या सबूत है उनका? अरे उस वक्त के राजदूतों ने ये कहा। किसने कहा? उस वक्त के जो राजदूत थे ये तो कहा उन्होंने। अरे राजदूत जो 28 जनवरी 2004 को लिखा साहब कि ये खबर आई है यहाँ अखबारों के अंदर, तो 1997 से कांग्रेस पार्टी और भीम सिंह ऑल फूड में पैसा बना रहे, मेरा नाम तो नहीं था उसमें। तो कैसे कांग्रेस पार्टी का अगर शुरुआत में नाम था तो नटवर सिंह का नाम कहाँ से आ गया? उसके अंदर जो दे दिया गया वहाँ से जो कागज आए उनमें साहब नाम था कि ये आ गए, तो मेरे नाम पर किसी और ने जाके वहाँ कहलवा दिया कि साहब ये नटवर सिंह के नाम पर ये है। किसने कहलवाया? जो आपने कुछ तो पड़ताल की होगी? नहीं, वो किया जो लड़का है वो क्या नाम अंदलीप सहगल, उसके वहाँ बिजनेस थी, तो मैंने भाई चले जाइए आप। पर आपने उसके पक्ष में चिट्ठी लिखी? हाँ मैंने लिखी कि भाई ये कारोबार कर रहा है आपके मुल्क के अंदर, अगर आप आपके लड़के का दोस्त है? दोस्त है हाँ, तो कोई इतना घनिष्ठ दोस्त नहीं है।